पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हुए हमले का चौतरफा विरोध हो रहा है। राजधानी भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस हमले को कायराना बताया और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का पुतला भी जलाया। मौके का जायजा लिया नादी टीवी के विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं पर हुए हमले के बाद राजधानी भोपाल में बीजेपी के कार्यकर्ता पुतला दहन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं सुमित पापाचोरी है बीजेपी के जिलाध्यक्ष, वो यहाँ पर साफ तौर पर सुमित भाई आज आपने आप ममता बनर्जी का पुतला जलाया है, जिस प्रकार की अराजकता का वातावरण पश्चिम बंगाल में देखने को आ रहा है उससे पूरे देश में आक्रोश है और इस बार के चुनाव में ममता बनर्जी को उनकी इस कायराना हरकत का जवाब वहां की जनता जरूर देगी और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी। क्या लग रहा है आपको अब और बीजेपी कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल जाएंगे? बिल्कुल, पूरे देश का कार्यकर्ता इस आज की घटना से बहुत आक्रोशित है और पूरे देश का कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल जरूर जाएगा चुनाव में काम करने के लिए। बीजेपी के जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी जो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे थे कि इस कायराना हरकत का जवाब जो पश्चिम बंगाल की जनता है वो वोट के जरिए जरूर देगी और बड़ी संख्या में देश भर से कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन रेहान के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी भोपाल। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हुए हमले का चारों तरफ विरोध हो रहा है। भोपाल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम ममता बनर्जी का पुतला जलाकर जमकर विरोध किया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं पर हुए हमले के बाद राजधानी भोपाल में बीजेपी के कार्यकर्ता पुतला दहन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं सुमित पापाचोरी है बीजेपी के जिलाध्यक्ष, वो यहाँ पर साफ तौर पर सुमित भाई आज आपने आप ममता बनर्जी का पुतला जलाया है, जिस प्रकार की अराजकता का वातावरण पश्चिम बंगाल में देखने को आ रहा है उससे पूरे देश में आक्रोश है और इस बार के चुनाव में ममता बनर्जी को उनकी इस कायराना हरकत का जवाब वहां की जनता जरूर देगी और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी। क्या लग रहा है आपको अब और बीजेपी कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल जाएंगे? बिल्कुल, पूरे देश का कार्यकर्ता इस आज की घटना से बहुत आक्रोशित है और पूरे देश का कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल जरूर जाएगा चुनाव में काम करने के लिए। बीजेपी के जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी जो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे थे कि इस कायराना हरकत का जवाब जो पश्चिम बंगाल की जनता है वो वोट के जरिए जरूर देगी और बड़ी संख्या में देश भर से कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन रेहान के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी भोपाल।